चौधरी साहब, एक बात बताइए, दिल्ली का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है तालकटोरा स्टेडियम, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे आप 26 तारीख को बना रहे हैं, तो क्या इस डे को इतने लार्ज स्केल पे बनाने हैं? क्या है, आप बहुजन समाज को इतने लार्ज स्केल पे जोड़ते हैं, बहुजन के नेताओं को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो बताएं ज़रा। देखिए, पहला 2013 में भी हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन किया, पहला दलित सम्मेलन था वो, और उसमें दुनिया के कोने कोने से लोग आए और बहुत भारी, और उसमें तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार के सुशील कुमार शिंदे जी उसमें सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हमने उस दिन भी समाज के सम्मुख बड़ी मजबूती के साथ समाज की समस्याओं पर चर्चा की, प्रस्ताव पास किए और भारत सरकार को दिए कि ये समस्या हमारी, इनका समाधान आप करें। समाज की एक ताकत तालकटोरा स्टेडियम के माध्यम से समाज की ताकत को हमने सरकार के सम्मुख हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की। उसके बाद में फिर 2017 यानी पिछले साल भी हमने एक कार्यक्रम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन उसी तालकटोरा स्टेडियम करके सरकार को अपने समाज की एकता यूनिटी ताकत दिखा करके और अपना मांग पत्र सरकार के जो मिनिस्टर हैं जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते रामदास अठावले जी उनको दिया। इसी कड़ी में तीसरा कार्यक्रम 26 नवंबर 2018 को संविधान दिवस के मौके पर ये किया जा रहा है और ये भी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ही किया जा रहा है। इसमें देश और दुनिया के सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और मैं समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों से, सभी हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं उन सबसे आह्वान करता हूँ कि आप लोग अगर 26 नवंबर को जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है संविधान दिवस के मौके पर, आप सब लोगों को मैं सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ, आप सब लोग आएँ, इस आंदोलन का हिस्सा बने। सरकार की तरफ से जो भी लोग आएंगे हमारी कोशिश होगी कि समाज की समस्याओं पर इस आंदोलन, इस कार्यक्रम के अंदर विस्तार से चर्चा हो, प्रस्ताव पारित किए जाएँ, प्रस्ताव पारित करके भारत के सरकार के प्रतिनिधि जो भी इस सम्मेलन में आते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को भी कहा, हमने देखिए बहन मायावती जी को भी, इसमें मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने बहन मायावती जी को सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और हमारा निर्णय था कि अगर बहन मायावती जी आती हैं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को इनवाइट नहीं करेंगे, लेकिन बहन मायावती जी चुनाव के कार्यों में व्यस्त होने के कारण चौधरी सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमको ये सूचना दी गई है कि बहन मायावती जी 26 नवंबर के कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हमने सरकार के लोगों को भी, प्रधानमंत्री जी को भी इन्वाइट किया है, हमने विपक्ष के नेता को भी इन्वाइट किया है, हमने सरकार के मिनिस्टर्स को, आयोग के चेयरमैन को, बहुत लोगों को इसमें कहा है कि आप सब लोग आइए, समाज के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनिए, उन पर चर्चा होगी और हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में वो सब चीज़ें, समाज की जो आज समस्याएं देश के कोने कोने में फैली उन पर विस्तार से चर्चा करके प्रस्ताव पास करके सरकार को फिर एक बार मांग पत्र दे करके सरकार की जिम्मेदारी हम सुनिश्चित करें कि हमारे समाज के साथ जो दिन आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उनको आप रोकने के लिए पहल करें, समाज के साथ न्याय करने के लिए आप आगे आएँ, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं उनको आप लागू करें, और जो चीज़ें लैप्सेशन हो गई है, जैसे मैंने कहा कि निजी क्षेत्र करना अगर सरकार की मजबूरी है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लाना भी सरकार की बाध्यता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी 26 नवंबर 2018 को तालकटोरा स्टेडियम में 11 बजे। जो भी लोग सरकार की तरफ से आते हैं, जो BSP के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, चाहे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी आते हैं, शरद यादव साहब अगर आते हैं, दूसरे लोग जो भी हैं, हम सभी को इन्वाइट किए हैं, जो भी लोग सरकार की तरफ से या जो लोग आज विभिन्न पार्टियों में काम करें, हम सबको बुलाने का काम करेंगे और अपने समाज की समस्याओं को सारे समाज के साथ, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ, सरकार के सम्मुख रख करके एक बार पुनः अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की हमारी कोशिश होगी। आप थे KP चौधरी साहब, जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से सब जगह रखते हैं और हर एक चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चौधरी साहब, ऐसे में से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। Thank you.